तीज का त्योहार, साली को हुआ जीजा से प्यार। ये मेरे जीज हैं और मैं इनकी साली हूँ। अरे अगर साली आधी घरवाली हो सकती है तो पूरी क्यों नहीं हो सकती? What is this? साली बनेगी घरवाली। जी हाँ, सब टीवी के सीरियल तेरा यार हूँ मैं में तीज का त्योहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर राजीव की साली साहिबा ममता भी मौजूद हैं, जो आज सबके सामने राजीव से ये ऐलान कर देती हैं कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं। ये मेरे जीज हैं और मैं इनकी साली हूँ। अरे अगर साली आधी घरवाली हो सकती है तो पूरी क्यों नहीं हो सकती? What is this? ममता के दिल की बात सुनकर मानो वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए। सारा परिवार ये सोचने लगा कि आखिर ममता ने ये क्या कह दिया। शॉक लगा बिकॉज ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उन्होंने डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ मजाक में बोला है आधी घरवाली के लिए, बट वो आई किसी और चीज़ के लिए। और इसमें मैं जानवी की छोटी बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो US से आई है अभी जयपुर। और आज हम सीन ऐसा कर रहे थे कि तीज है घर में, फेस्टिवल का माहौल है, और एक चिट्ठी थी जानवी दीदी की जो उन्होंने मुझे 2 साल पहले दी थी, और काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि मैं अपने जीत को, जो राजीव जी हैं, उनको वो चिट्ठी देती हूँ और वो लोग जानवी दी के गुजरने के बाद वो पहली बार पढ़ते हैं, तो इट्स क्वाइट इमोशनल फॉर देम एंड फॉर मी। सो तो राजीव बाबू, आपकी साली साहिबा सात समंदर पार से अपने लिए 7 जन्मों का साथी चुनने आई हैं, और साथी भी बिल्कुल आपके जैसा ही संस्कारी होना चाहिए, तो भाई तलाश शुरू कर दीजिए। ढूंढेंगे, घर से तो नहीं करेंगे शुरुआत, घर में लोग नहीं बचे, बट ढूंढेंगे इनके लिए लड़का, मजा आएगा, लड़का ढूंढेंगे, रिश्ते देखेंगे उनको कैसा लड़का चाहिए, तो इट बी फन ऐसा लड़का सेलेक्ट करने के लिए। भाई तो ये तीज त्योहार और जीजा साली की मस्ती मजाक की बात हो गई, अब जरा कहानी के इस इमोशनल पार्ट को भी छू लेते हैं, जहाँ जानवी ने अपनी छोटी बहन ममता को 2 साल पहले एक खत लिख कर दिया था, जो आज पहली बार राजीव ने पढ़ा। एक्चुअली जो चिट्ठी मिली मुझे वो जानवी की चिट्ठी थी, और उसने वो चिट्ठी लिखी थी अपनी बहन को, एंड उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी दैट गॉट राजीव इमोशनल, एंड वो सारे उस थॉट्स में चले गया जो वक्त जानवी के साथ बिताया था, और कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो हाँ, इट वॉज एन इमोशनल, इट्स एन इमोशनल एपिसोड, इट्स फन, सब कुछ है, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ हमारी मासी एक चिट्ठी निकालती हैं, एक लेटर निकालती हैं जो हमारी मम्मी ने लिखा था उनके लिए, तो वही जब हमारे पापा पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम सब उनके साथ इमोशनल हो जाते हैं। भाई इमोशनल होना तो बनता है, क्योंकि ये उस जानवी की चिट्ठी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कहे हुए आखिरी अल्फाज इस चिट्ठी में जरूर मौजूद हैं। अब इस इमोशनल ड्रामा के बाद छोटे से ट्विस्ट से भी मुलाकात होगी, क्योंकि आज तीज का त्योहार है और तृष्णा ने भी अपने होने वाले मंगेतर के लिए व्रत रखा है, लेकिन इस व्रत के साइड इफेक्ट क्या है खुद ही सुन लीजिए। ऐसी है कि उसने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया है, और कभी फास्टिंग तो उसने कभी सोचा भी नहीं है फास्टिंग के बारे में, तो फॉर द फर्स्ट टाइम उसने फास्ट किया अपने फियांसे लक्ष्य के लिए, तो इसी वजह से उसको आदत नहीं है, तो उसे थोड़ा डिजी फील होता है, उसे चक्कर आ जाते हैं। अरे त्रिशला मैडम, अपना ख्याल रखिए, अभी तो आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई है, यूं ही चक्कर खाकर गिरती रहेंगी तो कब तक आपको संभालेंगे आपके पीआर अंग्रेज? अभी तो आप अपनी मौसी के लिए मौसा जी ढूंढिए। मुंबई से श्रुति बरजात्या के साथ आज तक ब्यूरो।